Hi everyone, मैं हूँ भार्गवी प्रकाश and welcome to our channel My Dear Science. हम पढ़ रहे थे साथ में physics में electric potential के बारे में और कल हमने जो topic किया था वो क्या किया था कि हमने electric potential निकाला था due to a group of charges. आज का जो हमारा topic है वो क्या है, हमें फिर से electrostatic potential ही निकालना है. कहाँ पर, किसी point पर, किसकी वजह से? Due to an electric dipole. इसमें जो वर्ड है जिसके साथ आप फेमिलियर हैं, एक तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. हमने इसका पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था. हमारे पास क्या आया था, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर. ये थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू. फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है. क्या होता है, ऐसे एक चार्ज होता है माइनस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज होता है प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 2a, और इसका सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास O, जो इसे डिवाइड करता है. ये वाला डिस्टेंस भी है और ये वाला भी डिस्टेंस हमारे पास a आ जाता है. अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है इसकी वजह से कहां पर, किसी भी पॉइंट पर. तो हम मान लेते हैं, ये ले लिया हमने पॉइंट p, जहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को निकालना है. अब मान लो ये O के साथ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये मान लिया मैंने मेरा पॉइंट पे, और मैंने बोला ये क्या है, थीटा एंगल पे है. किसके साथ, हमारी एक्सिस के साथ. तो इससे हमें पता लग गया कि पॉइंट पे कहाँ है, वो कहाँ है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है हमारे एक्सिस के साथ. तो क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे और इसे इससे भी जोड़ देंगे. जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं. इसे पॉइंट ए मान लो, इसे पॉइंट बी मान लो. अब हमें ए पी डिस्टेंस को हमने आर वन मान लिया और इसे आर टू मान लिया, और ये वाला डिस्टेंस जो बीच का है हमने इसे आर मान लिया. क्या किया हमने, एक पॉइंट पी कंसिडर किया थीटा एंगल पर विद द एक्सिस. फिर हमने ए पी का डिस्टेंस आर वन बता दिया और पी बी का डिस्टेंस आर टू बता दिया, और ओ पी की लेंथ हमने आर डिफाइन कर दी. अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है. तो मैंने क्या बताया था, इसमें जो वी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के साइन पे. तो हमारा वी नेगेटिव कितना आएगा, के इंटू माइनस क्यू अपॉन में आर, और जो वी पॉजिटिव है वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर. नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा, ये डिस्टेंस हमारा आर वन है और ये डिस्टेंस हमारा आर टू है. अब इसमें हमें के की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू भी पता है, क्या नहीं पता है, ना हमें पता है कि आर वन कितना है और ना ही हमें पता है आर टू कितना है. तो हम इन दोनों को एक एक करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे. अब अगर आप ध्यान से देखो ट्रायंगल ए पी ओ, कौन सी ट्रायंगल, ए पी ओ, इस ट्रायंगल में क्या है, 90 डिग्री तो नहीं बन रहा. तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में ही लगेगी ना, साइन कॉस का कोई फंक्शन लग रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को नीचे और एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, और हम क्या करेंगे, इसे ऐसे मिला देंगे. कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे. क्या किया मैंने, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लिया और इस पॉइंट ए से इसको मिला दिया. मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया एन. तो अब ये जो ट्रायंगल ए ओ एन है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. तो क्या होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं. और इसमें एक और समझने वाली बात क्या है, जो हमारा एपी है वो लगभग किसके इक्वल है, पी एम के. क्या बोला मैंने, जो मेरा एपी है वो लगभग किसके इक्वल है, पी एम के. ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट इसके इक्वल हमने मान लिया, वो आप देख भी सकते हैं ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है. अब क्या है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा. क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. तो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और थीटा एंगल भी बना दिया. अब हमने क्या देखा कि एपी तो क्या है, ऑलमोस्ट पीएन के इक्वल है. पीएन को हम और क्या लिख सकते हैं, पीओ प्लस ओएन, पीओ प्लस ओएन. क्या बताया मैंने, पीएन को हम क्या लिख सकते हैं, पीओ प्लस ओएन, क्योंकि पीओ प्लस ओएन क्या बन रहा है, पीएन ही तो बन रहा है, वही हमने तोड़ कर लिख लिया. अब पीओ की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, आर है. पीओ की वैल्यू तो कितनी है, आर है, क्योंकि मुझे पता है ये पॉइंट कितने डिस्टेंस में हमारे पॉइंट ओ से.
एंड ओ क्या निकाल लेंगे हम इसमें। अब हमारे पास इसमें वैल्यू किस किस की है, एक तो हमें पता है कि हमारा ए ओ कितना है, ए ओ कितना है हमारा ए के इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस पूरा टू ए है, ए ओ कितना ए है और ये भी कितना है ए है, तो ए ओ मुझे पता है कितना है ए है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है ओ एन हमें निकालना है, ये वाला वन हमें निकालना है, तो ये हमारा क्या है ए ओ 90 डिग्री की, तो ये हमारा बेस है, तो हम लिखते हैं ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, ये होता है हमारा टेंजेंट। ऐसे याद रखते थे 10th में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही मेथड था। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, हम इसमें क्या यूज करेंगे अपना कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस क्या है हमारा कॉस थीटा बी अपॉन एच है, बेस कितना है, ट्रायंगल को अगर हम अलग से बनाना चाहे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एन है जहां पर क्या है 90 डिग्री है, और वो पॉइंट पे क्या है थीटा है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा बेस है, हमें क्या चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ओ एन है, ठीक है बेस तो हम एज इट इज लिख देंगे ओ एन, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए ओ है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास ए है, तो ओ एन अपॉन ए आ गया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से ओ एन की वैल्यू निकाल देंगे, तो कितनी आ रही है ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, ओ एन की वैल्यू कितनी आ गई ए कॉस थीटा आ गई। अब इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ से उठा के हमने ओ एन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, कितना आ गया आर प्लस ए कॉस थीटा, तो हमें वैल्यू मिल गई हमारे एपी की, यानी कि किसकी वैल्यू है हमारी आर वन की, ये आ गई आर प्लस ए कॉस थीटा, इसे रब कर देते हैं, नोट करते रहना साथ में ताकि जब आपको रिवाइज करना हो तो आपको जल्दी से समझ आ जाए, क्योंकि बोर्ड पे पूरी डेरिवेशन आएगी ही। अब हमें क्या निकालना है, आर टू निकालना है, अब आर टू में भी सेम वही है, कोई 90 डिग्री का नहीं बन रहा, तो हमें तो 90 डिग्री चाहिए होता है, किस लिए अपने साइन या कोसाइन को यूज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे इस तरह से बी पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एम, क्या किया है मैंने बी से सिंपली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट एम पे, तो ये हमारी क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो हमारी जो बीपी है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है पीएम के, क्या बोला मैंने जो बीपी है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है पीएम के इक्वल है, और पीएम को हम क्या लिख सकते हैं पी एम को क्या लिख सकते हैं पीओ माइनस ओ एम, पीओ माइनस ओ एम, क्या किया मैंने हमने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमने देखा कि ये जो ये वाली साइड है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है बीपी के इक्वल है, हमें तो फिर इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो हमने पीएम को क्या लिख लिया पीओ माइनस ओ एम, पीओ की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है आर है माइनस ओ एम, अब जैसे हमने किसकी वैल्यू निकाली थी ओ एम की निकाली थी वैसे हम ओ एम की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे इन ट्रायंगल ओ एम बी, कौन सी ट्रायंगल ली है ओ एम बी, यहां बना लेते हैं इसे, क्या है हमारे पास पॉइंट बी है पॉइंट एम है जिसपे क्या है 90 डिग्री है, इसको थोड़ा उल्टा बना लेते हैं, पॉइंट ओ पे हमारे पास क्या है थीटा है और ये मेरा पॉइंट बी है, इसको मैंने ऐसे करके यहां बना लिया ओ एम, ओ एम ये है हमारा थीटा और 90 डिग्री साथ में है और ये हमारा बी पॉइंट है, 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस है और ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर है, वापस से कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस कितना है मेरा ओ एम, यही मुझे क्या करना है निकालना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है ओ बी, और ओ बी की वैल्यू कितनी है मेरी ए है, क्लियरली फिगर में रिप्रेजेंटेड है, तो ये कितना आ जाएगा ए, तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए कॉस थीटा, क्या कर लिया हमने ट्रायंगल ओ एम बी में से कॉस थीटा की वैल्यू यूज करके हमने ओ एम की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर माइनस
हमारे पास सारी वेरिएबल्स की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इन दोनों को उठाकर इसमें पुट करूं तो हमारे पास क्या बनेगा वो देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं मुझे क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। टोटल का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो क्या करूंगी मैं, वी वन प्लस वी टू करूंगी या फिर वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव करूंगी। वी पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन में आर टू है और प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन में अपॉन आर वन है। ये मेरी पॉजिटिव की वैल्यू, ये मेरी नेगेटिव की वैल्यू। सर हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं। अब इसमें से k और q क्या है, कॉमन है। क्या बचा, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। क्या किया मैंने, k और q तो क्या थे, सेम थे, तो हमने बाहर निकाल लिया। क्या बचा, 1 अपॉन r2 माइनस का साइन एज इट इज और 1 अपॉन r1। r2 और r1 की वैल्यूज हम यहाँ रख सकते हैं। क्या आएगा, के क्यू वन अपॉन आर टू कितना है मेरा, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस आर वन कितना है, आर प्लस ए कॉस थीटा, वन अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। इसकी वैल्यूज रखिए आर टू और आर वन की यहाँ पर, उसे सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब डिनोमिनेटर को सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k q as it is, डिनोमिनेटर में क्या है, r माइनस a cos थीटा इंटू में r प्लस a cos थीटा। इन दोनों को क्या करा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर वन है, आर माइनस ए कॉस थीटा तो पड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इन्हें, इधर मल्टीप्लाई आ गई, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस का साइन एज इट इज और इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा। क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू इधर। ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आएगा, के क्यू एज इट इज आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू में आर प्लस ए कॉस थीटा। क्या किया है मैंने, सिंपली ब्रैकेट खोल लिया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब क्या है, प्लस आर माइनस आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया और नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो क्या आएगा, के क्यू टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा कितना हुआ, टू ए कॉस थीटा हुआ। और ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारी फाइनल वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एट द पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें क्या है, हम क्या स्पेशल केस करते हैं, अगर ए बहुत ही छोटा है आर से तो ए को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और वी कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू में टू ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसे निगलेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि किसका केस है, फॉर अ शॉर्ट डायपोल। कई बुक्स में इसे पहले से ही अलग तरीके से डेरिवेशन की हुई है, पर मुझे ये मेथड बहुत ही इजी लगता है और मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप इसी मेथड से इस डेरिवेशन को करो, बहुत ही सिंपल है। तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, हमारे पास पी की क्या वैल्यू होती है, क्यू इंटू में टू ए। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो टू ए बन रहा है और क्यू भी बन रहा है। के को क्या लिख देंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास पूरी वैल्यू किसकी, वी टोटल, जो किसकी वजह से लग रही थी, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से लग रही थी। इसे हमने लिख लिया किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्म में। अब इसके क्या है, कुछ स्पेशल केसेस है, वो भी देख लेते हैं। स्पेशल केसेस में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो वही आएगा कि अगर एक्सियल लाइन में पड़ा है तो क्या होगा, फॉर एक्सियल लाइन
यानी कि अगर ये पॉइंट पी कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यानी कि अगर ये मेरा डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू और यहीं पर मेरा क्या पड़ा है, पॉइंट पी पड़ा है, तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। एंगल तो क्या है, जीरो डिग्री हो गया, या फिर क्या होगा, पॉइंट यहाँ पड़ा होगा पी, तो इस केस में एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दो ही केसेस बनते हैं, या तो थीटा कितना होगा, जीरो होगा, या फिर थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो कितना आएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0p cos, लिख लीजिए cos 0 अपॉन में r स्क्वायर। जब जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1/4πε0p अपॉन में r स्क्वायर। और जब 180 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/4πε0-p अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 180 है। cos 0 कितना होता है, 1, और cos 180 कितना होता है, माइनस 1। तो ये हमारी 0 के केस है और ये मेरा 180 का केस है। अब दूसरा केस क्या बनता है, इक्वेटोरियल लाइन का बनता है। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी लाइन होती है, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ओ से, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री हो जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। और तब ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, k into p cos 90 डिग्री अपॉन में r स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। कहाँ है ये, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। रिविजन कर लेते हैं, क्या किया हमने, डायपोल बनाया, पॉइंट पी लिया, किसने एंगल पे, थीटा एंगल पे, किसके साथ, डायपोल के एक्सिस के साथ। फिर हमने इसको डिस्टेंस आर मान लिया, आर वन और आर टू मान लिया। फिर हमने क्या देखा, यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहे, तो हमें आर वन और आर टू की वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, इसकी वजह से नेगेटिव आएगी, के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर वन, के इंटू क्यू अपॉन में आर टू। आर वन और आर टू निकालने के लिए क्या किया, पहले इसी को एक्सटेंड किया और ये पॉइंट से इसे जोड़ दिया, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, ताकि यहाँ पर साइन और कॉस की प्रॉपर्टीज क्या हो, लग सके। और फिर हमने सिमिलरली इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर से किस लिए, आर टू फाइंड आउट करने के लिए। आर वन और आर टू निकाल कर हमने क्या किया, वी वन प्लस वी टू कर दिया, किस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से। अगर ज्यादा चार्जेस हैं तो क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर एक के इफेक्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमने सिंपली क्या किया, ऐड किया, वी वन प्लस वी टू करने के बाद हमें क्या मिला, ये मिल गया, किसकी फॉर्म में, पी की फॉर्म में हमने डेरिवेशन का फॉर्मूला निकाल लिया, स्पेशल केसेस के लिए, किस लिए, एक्सियल लाइन के लिए, और फिर एक इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इसमें क्या आ गया, हमारा थीटा या तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या फिर थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। इससे हमें ये पता लगा कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट गिवन है तो उस पे क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को बजा देना। थैंक यू सो मच।